एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में तीन चोरों की दहशत फैली हुई थी और वो तीनों ही चोर लड़के नहीं बल्कि लड़कियां थी, जो साथ मिलकर गांव के लोगों के घरों में डाका डालती थी और उनके गहने जवाहरात और कई महंगी चीजें लूट लिया करती थी। तीनों ही चोरियां इस तरह से करती थी कि उनकी चोरी कोई पकड़ भी नहीं सकता था। गांव में कई सीनियर इंस्पेक्टर को चोरियों को पकड़ने के लिए ड्यूटी में लगाया गया था, पर वो इंस्पेक्टर भी इन चोरियों को पकड़ने में नाकामयाब रहे, जिससे अब गाँव भर में उन तीनों लड़कियों की दहशत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लोग दिन में भी अपने घर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ सकते थे और कई बार तो लोगों को अपनी ही घर की देखभाल करने के लिए रातों रात जागना पड़ता था। इसी दहशत से भरे गांव में एक करीना नाम की आंटी रहा करती थी, जो कि बेहद ही चालाक थी। उसकी नजरों के सामने कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। एक बार तो करीना आंटी ने गांव के सबसे बड़े चोर पृथ्वी को पकड़वाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसी के चलते गांव भर के लोग करीना आंटी को चालाक आंटी कहकर पुकारते थे। इसी बीच जब करीना आंटी को पता चला कि गांव में तीन चोरनियों की दहशत फैलती जा रही है, तभी करीना आंटी ने फैसला किया कि वो उन चोरनियों को पकड़कर ही दम लेगी, वरना गांव के लोगों को कई भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक दिन करीना आंटी गांव भर में ये खबर फैला देती है कि उसने कुछ समय पहले ही बेशकीमती गहने जवाहरात खरीदे हैं और यही खबर उन तीनों चोरनियों को भी पड़ जाती है। तभी रात के वक्त जब करीना आंटी सो रही थी, तभी वो चोरनियां चुपके से करीना आंटी के घर आती हैं और अलमारी से गहने जवाहरात चोरी करने लगती हैं। तभी अचानक ऊपर से एक रस्सी गिरती है और वो तीनों ही चोरनियां उस रस्सी में बंध जाती हैं। तभी वहां करीना आंटी चाकू के साथ पहुंचती है और उन तीनों के सामने जोरों जोरों से हंसते हुए कहती है कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम जितनी ही चालाक बन जाओ लेकिन इस चालाक आंटी के सामने तो तुम बच्चे ही रहोगे। जब गांव का बड़ा से बड़ा चोर मुझसे नहीं बच सका तो तुम क्या चीज हो, बस मैंने तुम तीनों को अपने जाल में फंसाया और तुम उसमें फंसती चली गई। मैंने झूठी अफवाह क्या फैलाई कि मैंने गहने जवाहरात खरीदे हैं, तुम तो वही नकली गहने जवाहरात चुराने आ गई। चलो अब जब तुमने मेरे घर में चोरी करने जैसी बड़ी गलती की ही है तो अब तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और इसी बीच वहां पुलिस आ जाती है और उन तीनों चोरनियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तभी गांव के और दूसरे लोग भी करीना आंटी के घर पहुंचते हैं और करीना को एक बार फिर चालाक करीना आंटी के नाम से पुकारते हुए उसकी खूब तारीफें करते हैं। तो दोस्तों, अगर करीना आंटी की जगह आप होते तो आप चोर को पकड़ने के लिए क्या करते? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।